डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइलम के बारे में जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ही कम है, इसलिए उसको माइनर फाइलम कहते हैं, और वो है हमारा टीनोफोरा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टीनोफोरा के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा फिर आगे नेक्स्ट जो फाइलम है प्लैटीहेलमिंथिस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम बल्कि माइनर फाइलम बोलते हैं इसको, माइनर फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा राइट। यह एक माइनर फाइलम है, माइनर फाइलम है। माइनर फाइलम इसलिए बोलते हैं एज लेस नंबर ऑफ जेनरा प्रेजेंट। क्या मतलब? इसके अंदर में जो नंबर ऑफ स्पीशीज की जो संख्या है, जीनस की जो संख्या है, वो बहुत ही कम है, लेस नंबर है, इसलिए इसको हम माइनर फाइलम में रखते हैं। अब ये है क्या कि ये जो सिलेंट्रेट्स था, सिलेंट्रेटा से ही ये निकला हुआ एक छोटा सा फाइलम है। तो सिलेंट्रेटा में और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, हम इन चीज को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इसका जनरल फीचर पर हम बात करते हैं, जो जनरल कैरेक्टर्स है इस पे बात करते हैं। तो नंबर वन पे, जैसा कि आपने देखा होगा, सिलेंट्रेट्स भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यह भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो प्रॉब्लम। दूसरा है इसका जर्म लेयर, यह भी डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में आपने देखा होगा सिलेंट्रेट्स के अंदर एक्टोडर्म था, यहां भी एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। लेकिन जो बीच में मीसोगिलिया होता था, यहां पर आप ध्यान देंगे कि मीसोगिलिया जो था सिलेंट्रेटा में, वो नॉन सेलुलर था, नॉन फाइबरस था, मतलब कि फाइबर और सेल उसमें नहीं थे, जबकि यहां जो मीसोगिलिया है, यहां पे हैविंग सेल्स एंड फाइबर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे सेल भी है और फाइबर भी है, राइट। तो ये मीसोगिलिया जो बीच का एक एक्टोडर्म और मीसोगिलियम, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो एक मूवेबल सेल है, उसको बोलते हैं मीसोगिलिया, जो सेल्स और फाइबर के बने, राइट। अब आइए यहां पे जो इसका सिमेट्री है, यह बायरेडियल सिमेट्री है, बायरेडियल सिमेट्री है। बायरेडियल का मतलब हमने आपको बताया था, बाय का मतलब बायलैटरल, बायलैटरल, और रेडियल का मतलब रेडियल। तो इसकी सिमेट्री कैसी है, ये एक साइड से बायलैटरल है और दूसरा रेडियल है, तो इसे बायरेडियल सिमेट्री है, राइट। अब जो फोर्थ पॉइंट है इसका, वो हम चलते हैं इसके जो जनरल जो बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स हैं और वही चीज है जो स्ट्रक्चर है, सबको समराइज करते हुए चलते हैं। तो पहले देखते हैं इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो टेंटेकिल्स होता था, तो जो टेंटेकिल्स है, टेंटेकिल्स है, सिलेंट्रेट्स के अंदर में 6 to 10 टेंटेकिल्स होता था, जबकि इसमें टेंटेकिल्स 1 या 2 होगा, अभी फिगर में देखेंगे। और यह टेंटेकिल्स सॉलिड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यह सॉलिड टेंटेकिल्स है, जबकि सिलेंट्रेटा में हॉलो टेंटेकिल्स थे, ये टेंटेकिल्स हो गया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था सिलेंट्रेट्स का, नाइडेरिया का, वो था निमेटोब्लास्ट का होना। यहां पे निमेटोब्लास्ट नहीं है, एब्सेंट है, उसकी जगह पे यहां पे कॉलोब्लास्ट है, जो कि स्टिकिंग सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करने वाला यहां पे है।
तो हम यहां पर लिखते हैं निमेटो ब्लास्ट सेल एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलोब्लास्ट और लासो एंड कोलोब्लास्ट एंड लासो प्रेजेंट है, ये दोनों चीज प्रेजेंट है। और कोलोब्लास्ट ही सिक्रीट्स करते हैं, सिक्रीट्स स्टिकी सब्सटेंस, राइट। तो ये हम सिलेंट्रेटा कंपेरिजन करते हुए इसके बारे में डिस्कस किया। यहां पर ध्यान दें, कोलोब्लास्ट सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेजेंट है यहां पे। अब बात करते हैं इसके जो मेटाबॉलिक कैरेक्टर है, जैसे डाइजेशन इसका कैसा है। तो डाइजेशन इसका यहीं पर लिखते हैं, डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर है और फिर इंट्रा सेलुलर है, ये दोनों ही टाइप के डाइजेशन इसके अंदर में पाए जाते हैं, राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीनोस्फोरा। टीनोस्फोरा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सो यहां पर लिखेंगे ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर में। तो एक बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट इसका और फर्टिलाइजेशन के बारे में भी। तो फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता, जबकि इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है, मोस्टली तो डायरेक्ट ही है, लेकिन कुछ में केस में मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन इन सम केसेस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब इनडायरेक्ट है इसका मतलब यह हुआ कि ये लार्वा के थ्रू होगा, तो इस लार्वा का नाम इंपॉर्टेंट है, थ्रू लार्वा, और लार्वा का नाम है सिडिपिड लार्वा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सिडिपिड लार्वा पूछा जाता है, तो सिडिपिड लार्वा, सिडिपिड लार्वा आपके टीनोफोरा का लार्वल स्टेज को बोलते हैं, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसका, ये बायोल्यूमिनेसेंट है, ये जुगनू की तरह रोशनी देता है, जलते हैं, तो यहां पर लिखेंगे बायोल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टर हम बात करते हैं, इसमें दो ही क्लास है और इसको इसका कॉमन नाम है कॉम जेलीज है, सी वॉलनट बोलते हैं यू। तो इसमें हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हम इसको क्लासिफाई करते हुए चलते हैं। दो क्लास है जिसमें टेंटेकल्स प्रेजेंट है उसको टेंटाकुलेटा बोलते हैं, जिसमें टेंटेकल्स प्रेजेंट नहीं है उसको न्यूडा में रखा गया है। तो यहां पर हम क्लासेस देख लेते हैं, दो क्लासेस है, एक है टेंटाकुलेटा, टेंटाकुलेटा, टेंटाकुलेटा का मतलब इसमें टेंटेकल्स प्रेजेंट है और इसका एग्जाम्पल है हार्मीफोरा, हार्मीफोरा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है न्यूटा, न्यूटा का मतलब है कि इसमें टेंटेकल्स, टेंटेकल्स एब्सेंट है, ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल है बोई, ब्रोई, बो ब्रोई पढ़ते हैं इसको, बोरोई, ये इसका एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तहत हम देखते हैं कि ये कैसा होता है इसके अंदर में।
तो इसको इसका ऑल हम लिख देते हैं कि कॉमनली कॉल्ड 12 नंबर से 13 नंबर पे कॉमनली कॉल्ड टीनोफोरा में कॉमन नाम है सी वॉलनट, या इसी को बोलते हैं सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट। इसका एक हम फिगर के माध्यम से इसको देख लेते हैं कैसा होता है। ये 8 प्लेट्स होते हैं इसके अंदर, 8 प्लेट्स होते हैं, और इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीलिया है, और ये सीलिया इसके टेंटेकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो देखिए जरा सा, ये है एट प्लेट्स है, ये दिस इज, ये 8 प्लेट्स हो गए, ठीक है। अब इस 8 प्लेट्स के, ये जो 8 प्लेट्स हुए, अब यहां पे इसको, यहां पे इसका टेंटेकल्स दिखाइए, एक से दो टेंटेकल्स होगा, तो यहां पर ये ऐसे टेंटेकल्स दिखा देते हैं, राइट, दिस इज द टेंटेकल्स। और इंटरेस्टिंग बात कि इस टेंटेकल्स पे सीलिया प्रेजेंट है, तो आप इसको सीलिया दिखा सकते हैं छोटे छोटे। ये है आपका कॉम्बजेलीज, ये फिगर हमने बनाया कॉम्बजेलीज का। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीनोफोरा, टीनोफोरा के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके आगे, जो नेक्स्ट हमारा फाइलम है उसके बारे में, और वो है हमारा प्लैटीहेलमिंथिस, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट फाइलम, फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस। देखिए ये वह फाइलम है, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिंथिस का मतलब वर्म्स, मतलब फ्लैट वर्म्स के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे। ये वैसे एनिमल्स हैं जिनमें वर्म्स के बारे में डिस्कस, हेलमिंथोलॉजी के है ये, तो हेलमिंथोलॉजी में जो फ्लैट है, जो चपटा वर्म है जिनका बॉडी फ्लैट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो साहब थे वो गेगेन बोर साहब ने इसको टर्म दिया, टर्म टर्म्ड बाय गेगेन बोर क्वाइंड द टर्म प्लैटीहेलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस। तो प्लैटीहेलमिंथिस जो टर्म देने वाले साहब थे वो थे गेगेन बोर, गेगेन बोर ने दिया। अब हम इसके जनरल फीचर पे चलेंगे कि कहां इसका हैबिटेट्स है, कैसा होता है ये, क्या खास बात है इसके अंदर में। तो पहला चीज नंबर वन पे अकरेंस की बारे में बात करेंगे। अकरेंस, अकरेंस में देखिए ये वर्म्स है, तो ये मोस्टली तो ये पैरासाइट्स हैं, लेकिन कुछ इसके फ्री लिविंग फॉर्म भी हैं, और ये जो फ्री लिविंग फॉर्म है यह पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैं, और एक्वेटिक में कुछ फ्रेश वाटर में भी और कुछ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, दो फॉर्म डालेंगे इसमें, एक लिखेंगे फ्री लिविंग, फ्री लिविंग फॉर्म में फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड मरीन वाटर फॉर्म्स, ये दोनों जगह पाए जाते हैं, ये फ्री लिविंग के रूप में। दूसरा है पैरासाइटिक, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं।
अब आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो जनरल कैरेक्टर जो है इसका, अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दे सबसे पहले कि इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सी जगह पे लिखा है इसका ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बात करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम नहीं है ये, ऑर्गन है, बहुत जगह पर ऑर्गन सिस्टम है। दूसरा देखेंगे इसको, अब यहां पे देखिए सिलेंट्रेट था डिप्लोब्लास्टिक, अब इसमें एक लेयर का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, अब ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब अब इसमें तीनों लेयर आ गया, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों ही जर्म लेयर अब यहां पर डेवलप हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इसका जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है इसका, मतलब ये हुआ कि सिंगल ओपनिंग होगा, ठीक है। फोर्थ में इसकी जो सिमेट्री है वो अब यहां पर सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्री का डेवलपमेंट हुआ, तो बाइलैटरल सिमेट्री, बावजूद इसके कि इसमें मीसोडर्म है, तो ऐसे एनिमल में कैविटी का डेवलपमेंट होना चाहिए था, सिलोम का डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन इसमें सिलोम अभी भी डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर में जो मीसोडर्म है वहां पे आउटर साइड से मसल्स और इनर साइड से पैरेन्काइमा सेल का फिलिंग हो गई। तो नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टर है वो है सिलोम नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे ए सिलोमेट, ठीक है जी। तो अपीयरेंस हो गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर की। स्पेशल फीचर में नंबर थ्री पे लिखेंगे, स्पेशल फीचर में बात करेंगे इसके स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर का मतलब यह हुआ कि जो फीचर इसको अलग अलग करते हैं और ऑर्गेनिज्म से और एनिमल से, तो पहला तो यही है कि बावजूद इसके कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये एसिलोमेट है, तो लिखेंगे इवन दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक, ट्रिप्लो ब्लास्टिक दे आर ए सिलोमेट। ए सिलोमेट का मतलब बिकॉज, क्यों है ऐसा? क्योंकि एज आउटर साइड, आउटर में होते हैं मसल्स और इनर में होते हैं पैरेन्काइमा सेल, तो ये दोनों की वजह से ये यहां पर सिलोम का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए यह एसिलोमेट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो सिलोम होना चाहिए था, जाहिर सी बात है कि मीसोडर्म की लाइनिंग को सिलोम बोलते हैं, लेकिन एसिलोम इसलिए है यहां पर मसल का डेवलपमेंट है, और मसल्स में भी तीनों मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और फिर ऑब्लिक मसल, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर में, और वो ये है कि फर्स्ट टाइम मस्कुलेचर, मसल्स का डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम प्लेटीहेलमिंथिस में ही हुआ था, तो इसको भी मेंशन करेंगे। फर्स्ट टाइम मस्कुलेचर, फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन प्लेटीहेलमिंथिस, तो समझ में आई बात? फर्स्ट टाइम मसल्स का डेवलपमेंट
प्लैटिहेलमिंथिस में हुआ। और उतना ही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब आपने देखा कि जो न्यूरॉन था एपोलर न्यूरॉन, वह सिलेंट्रेट में आ चुका था लेकिन कोई ब्रेन नहीं था। ब्रेन का डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम प्लैटिहेलमिंथिस में हुआ, इसलिए बोलेंगे फर्स्ट ब्रेन एनिमल डेवलप इनटू प्लैटिहेलमिंथिस। सो फर्स्ट ब्रेन एनिमल, राइट, ब्रेन एनिमल तो हो गया। अब इसका जो नर्वस सिस्टम हुआ उसके भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उसका जो नर्वस सिस्टम है यह लैडर लाइक इसका नर्वस सिस्टम है। तो फोर्थ पॉइंट में नर्वस सिस्टम लैडर लाइक सीरीनुमा है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। तो ये इसके फिर फिफ्थ में और ले सकते हैं कि पैरेन्काइमा सेल भी है, पैरेन्काइमा सेल, तो ये इसके स्पेशल फीचर हुए। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स के बारे में, थर्ड पॉइंट, और फोर्थ में लिखेंगे बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर। बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर में पहला देखिए डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन जो है इसका, यह ब्लाइंड सैक है चुकी, तो अभी भी इसका एलिमेंट्री कैनाल डेवलप नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है, इनकंप्लीट है। तो डाइजेशन में लिखेंगे इनकंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, इसके लिए अब सिंगल ओपनिंग है। डाइजेशन अभी भी इसमें कंप्लीटली एलिमेंट्री, कंप्लीट एलिमेंट कैनाल नहीं है, ठीक। दूसरा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है प्लैटिहेलमिंथिस के अंदर में, देखिए मैंने कहा कि इसमें फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक फॉर्म है, तो जो रेस्पिरेशन है वो फ्री लिविंग में, तो फ्री लिविंग में रेस्पिरेशन, फ्री लिविंग फॉर्म में एरोबिक है, मतलब इन अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इन पैरासिटिक, पैरासाइट में, पैरासिटिक फॉर्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। और आपको होता है कि जो फ्री ये एरोबिक वाला है ये होगा बॉडी सरफेस के थ्रू, बॉडी क्योंकि कोई स्पेशल ऑर्गन यहां पर, जिस तरह से हम लोगों में लंग्स डेवलप है वो यहां तो है नहीं, तो अभी बॉडी सरफेस के थ्रू ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। और जो पैरासिटिक फॉर्म है तो ये तो पैरासाइट ही है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे ही बॉडी से सारी मशीनरी, उन्हें दूसरे का ही लेना है, होस्ट का ही लेना है, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है जी। एक्सक्रीशन के लिए यहां पे सोलेनोसाइट एक्सक्रीशन जो है फ्लेम सेल के थ्रू होगा, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट बोलते हैं इसको, या इसी को प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। अब इसमें सर्कुलेशन के लिए कोई डेवलपमेंट इसमें नहीं है, एब्सेंट है, कोई सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं है इसमें। स्केल्टन इसमें नहीं है, स्केल्टन सिस्टम इसमें एब्सेंट है, राइट। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही, तो यहां पर लिखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब सेक्सुअल में भी ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, तो ये दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म यहां पर एनिमल मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में।
फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। फिर ये लेक्चर आज यहाँ पर क्लोज करेंगे इसको, फिर आगे हम नेक्स्ट में इसका क्लासिफिकेशन डेवलप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसको हम लास्ट में देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है इसका आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी है, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर में इंटरनल भी है। फर्टिलाइजेशन को हम ऐसे डिस्कस करें, फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, पहले इसको इसके बारे में बात करते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन है मतलब ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी है इसके अंदर में प्रेजेंट, राइट। दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है, और फिर इसमें इंटरनल कुछ मेंबर में इंटरनल है, क्योंकि फ्री लिविंग भी है और पैरासाइटिक भी है, तो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो सेल्फ एंड क्रॉस इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट जो है इसके अंदर में डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, और कुछ मेंबर में जहां पर कि इसको देखेंगे लार्वल स्टेज आएगा वहां इनडायरेक्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे थोड़ी सी बातें हम, और एक मिनट लेना चाहेंगे आपका। इसका जो चूंकि ये पैरासिटिक फॉर्म आएगा तो पैरासिटिक का जो एडेप्टेशन है वो इसके इपिडर्मिस को लेकर के है, तो जहां इपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल आ जाता है वह उस क्यूटिकल की वजह से जो हमारे जो जिस होस्ट में भी रहेगा ये उसका डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है उसको वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, मतलब सर्वाइवल फीचर है, एक एडेप्टिव फीचर है पैरासिटिक फॉर्म का कि वो उसमें क्यूटिकल का डेवलपमेंट हो। तो एक लाइन लिख लेते हैं, इसका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर में जो पैरासिटिक फॉर्म में क्यूटिकल का डेवलपमेंट होगा, एंड दिस इज द एडेप्टेशन फॉर पैरासाइट, बाकी फ्री लिविंग में एपिडर्मिस रहेंगे। तो हम यहां पर बात कर लिए, अब हम बात करते हैं, अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसको गौर से पढ़िए इसको, और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से हमसे पूछिए, हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया है, सारा चीज दिया हुआ है, तो आप हमसे जितना फायदा उठा सकते हैं ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।